हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यशिका किचन। आज हम यशिका किचन में आपके लिए ब्रेड की नई डिश लेके आए हैं, जिसका नाम हमने रखा है स्वीट ब्रेड। जिसको बनाने के लिए हमने ब्रेड लिए हैं चीनी और कोकोनट पाउडर। सबसे पहले हम घी को गर्म कर लेंगे और दूसरी साइड पे हमने चाशनी बनाने के लिए एक गिलास पानी रखा है गर्म। अब हम ब्रेड की स्लाइसों को इस तरह से काट लेंगे। हमने एक ब्रेड के 4 पीस किए हैं, आप इसके 2 पीस भी कर सकते हैं। इस तरह से हम सारी ब्रेड को काट लेंगे। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं, जहाँ पर हमने चाशनी के लिए गर्म पानी रखा था, उसमें चीनी ऐड करेंगे और धीरे धीरे इसे हम मिलाते रहेंगे। और आगे हम गरम तेल में स्लाइस को डालेंगे ब्रेड की और उन्हें फ्राई करेंगे। फ्लेम को आप मीडियम रखें। एक साइड से जब ब्राउन ब्रेड हो जाए तो हम उसे पलटकर दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। एकदम आराम से पलटना है ताकि ब्रेड टूटे ना। ब्रेड को बाहर निकालते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि ब्रेड के साथ ज़्यादा ऑयल बाहर ना आए। हो सके तो आप इसे टिश्यू पेपर पर निकाल कर रख दें, ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो सूख जाएगा, या आप किसी छलनी पर भी रख सकते हैं। अब हम ब्रेड को बाहर निकालेंगे। हमने यहाँ पे ऑयल बिल्कुल भी नहीं लिया है, ये देखिए। इसी तरह से हम सारे ब्रेड को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि चाशनी हमारी एकदम से तैयार हो चुकी है और आप फ्लेम को बंद कर दें। अब हम इसमें फ्राई किए हुए ब्रेड को 1 या 2 करके इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से चाशनी में इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा हल्का हल्का दबाएं ताकि चाशनी ब्रेड के अंदर तक चली जाए। आप चाशनी को थोड़ा ठंडा कर लें, उसके बाद इसमें ब्रेड डालें। अब हमें ब्रेड को बाहर निकालेंगे और इस छलनी पर रखेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। ये ब्रेड हमने सब चाशनी में निकाल लिए। ब्रेड को गार्निश के लिए हमने कोकोनट का यूज किया है, आप ड्राई फ्रूट का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कोकोनट पाउडर में हमने सारे ब्रेड को ऐसे एकदम से कवर करना है। आप इसके ऊपर चेरी भी लगा सकते हैं। स्वीट ब्रेड अब बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। आप इसे खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।